इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारे। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बनी। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। पता नहीं पाकिस्तान की जमीन पर जापानी माल कैसे पैदा हो गया। शुक्र करके तू जापान से आया है इसलिए बच गया, नहीं तो बेस मार मार के तेरा कीमा बना देता। जा पतली गली से निकल जा, नहीं तो पावर म्यूजिक का बेस तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा बेटा। ए पुष्पा, तेरा आदमियों का जुबान बहुत चल रहा है, थोड़ा लगाम लगाने के लिए बोल, नहीं तो सबको इधर ही बम से उड़ा देंगे। अरे पाकिस्तान वालों, हम लोग इंडिया वाले हैं, हथियार तो सिर्फ शौक के लिए रखा करते हैं बेटा, खौफ के लिए तो हमारा पावर म्यूजिक का बेस ही काफी है। अरे इंडिया वालों, डीजे कंपटीशन खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। इस डीजे सेटअप के सामने जो भी आया वो कंपटीशन करना तो दूर की बात है, सबके सब मैदान छोड़ के भाग गया। अभी तुम लोग क्या करोगे? अरे पाकिस्तान वालों, अगर मैदान में डीजे कंपटीशन करने की समय कोई भी सेटअप दो कदम पीछे ले तो समझो शेर के साथ कंपटीशन हो रहा है। अगर शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा का पावर म्यूजिक आया है। पावर म्यूजिक कभी मैदान छोड़ के भागता नहीं बेटा, सबको भगाता है। पाकिस्तान के लिए तो मैं किसी के साथ लड़ सकता हूँ। पावर म्यूजिक, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रहने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम भी मिलेंगे और रुपया पैसा भी मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना बड़ा शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कलिया। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कलिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं कलिया? नहीं, कभी नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर है। जिसकी मुकाबला करने की ताकत ही नहीं होती ना, वही ऐसे फालतू की बोल बच्चन करते हैं। ए, तेरा टाइम खत्म हो गया पुष्पा, इसका बेस जब तुम लोगों के ऊपर पड़ेगा ना तबाही मच जाएगा। चल दिखा, स्टार्ट कर, देखते हैं साले कौन तबाही मचाता है। अगर जिगर की जगह जिगर है और जिगर में दम है, तो रोक ले आके, रोक ले आके। यारे पुष्पा, हवा निकल गई ना बेस सुनकर। अभी टाइम है पुष्पा, मैदान छोड़ के भाग जा, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा तेरा। ठीक है बेटा, देखते हैं किसका हाल बुरा होता है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पहुंचा, स्टार्ट कर। एक के आगे जीरो लगाओ तो वो एक ही रहता है, लेकिन एक के पीछे जीरो लगाओ तो 10 बन जाता है। मुझे पीछे जीरो लगाने की आदत है, मैं आगे जीरो नहीं लगाता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि पहला नंबर वही है जो जीरो को पीछे रखता है। ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि जीरो और वन नंबर में जमीन और आसमान का फर्क होता है, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश मत करना वरना पहनूंगा।
पावर म्यूजिक का बेस का पेसार इतना ज्यादा है ना, ये डीजे सेटअप कुछ नहीं कर पाएगा गुरु। क्यों रे, हवा निकल गई क्या? अभी टाइम है, भाग जा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है बेटा। गुरु स्पीकर चेक तो छड़वो ना, एक बार दे, एक बार स्पीकर चेक तो दे। क्यों बेटा, अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए? अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। गुरु बचाओ, आमा के गुरु बचाओ। हाथ बिट्टा मने बंद हो जाए मने बारे। मैं बदला जरूर लूंगा पुष्पा, जरूर। इसी मैदान में फिर से कंपटीशन होगी और जरूर होगी, और उस दिन सेटअप हमारा ही होगा, पाकिस्तान का। हमारा इंतजार करना पुष्पा, मैं जरूर वापस आऊंगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा। चैनल को जरा सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखना, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोचना। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।